धरती सोनी रंगली यहाँ रब की मेहर बसे यहाँ नीर बहे मस्तानड़े यहाँ पावन पवन बहे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। खतरा सिर्फ रंजीत सिंह की तरफ से नहीं है, अंग्रेजों में भी एक रंजीत सिंह पैदा हो गया है जो पूरे पंजाब पर हुकूमत की सोच रहा है। ये आप किस अंग्रेज की बात कर रहे हैं साहब सिंह जी? जॉर्ज थॉमस की बात कर रहा हूं मैं। जींद में मेरे मामा और आपके पड़ोसी भाग सिंह जी की बेटी की शादी है, मैं उसका न्योता देने आपको आया हूं। ग्रेट वॉरियर, हमको किंग रंजीत सिंह के मिलकर बहुत खुशी हुआ। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस वक्त तुम कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहा हूँ? दीवान जी, आपने क्या सोच के ये सवाल मुझसे किया? क्या मैं कोई उठाई गिरा हूँ, चोर उचक्का हूँ? अरे मैं इकबाल हूँ, इकबाल। तुम इकबाल हो, इसीलिए पूछ रहा हूँ। चांद, लखपत राय ने मुझे देख लिया है और उसका मुझ पर शक हो गया है। अरे पहले ये तो बताओ, भंगी भाई हमला कब कर रहे हैं? सबके सब शराब के नशे में इस कदर बेहोश थे कि अगर मैं उनका दोस्त नहीं दुश्मन होता तो सबकी गर्दनें उतार के लाता। वो कह रहा था कि रंजीत सिंह इस वक्त गुजरावाला से बाहर गया हुआ है, आप रात ही रात गुजरावाला पर हमला कर दो। पहली बार नशे ने हमसे इतना अच्छा मौका छीन लिया, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता हमारा। होगा प्राजी, होगा, क्यों नहीं होगा? आप जा रहे हैं ना शाहजमा से मिलने। जो रंजीत सिंह आप तीनों के बस का नहीं है, अगर हम उसे लाहौर की सूबेदारी अता करेंगे तो वो हमारे बस में होगा। हम रंजीत सिंह के पर जितना काटने की कोशिश करते हैं उसकी उड़ान और ऊंची हो जाती है। अगर शाहजमान ने रंजीत सिंह को लाहौर का सूबेदार बना दिया तो हमें बाल बच्चों समेत यहां से भागना पड़ेगा। रंजीत सिंह ने शाहजमान के सिपहसालार को मार दिया, रंजीत सिंह ने भांगियों को तलवारबाजी में हरा दिया, रंजीत सिंह ने शाहजमान के सिपहसालार को मार दिया। फरजाई, 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 फरजाई। जब देखो तूफान की तरह हमला करती रहती है। भरजाई, आपकी ननद हूँ ना, अब आंधी की ननद तूफान नहीं होगी तो क्या होगी? तुझे खेलकूद से फुर्सत मिल गई, इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैं आज इतनी जल्दी इसलिए लौट आई कि मेरे पीछे पड़ा था नत्थू हलवाई। कौन नत्थू हलवाई? उसकी तो मैं गर्दन उतरवा दूंगी। भरजाई, मैं तो सिर्फ तुक मिला रही थी। भरजाई, मुझे दरबार साहिब जाना मत था टेकने। क्या है, रंजीत सिंह ने फिर कोई जंग फतेह की है? हाँ भरजाई, उन्होंने शाहजमां के सिपहसालार को मार दिया और तीन भांगियों को भी तलवारबाजी में हराया। पीपल के नीचे कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि इस उम्र में ऐसे तेवर हैं तो आगे जाके क्या करेगा। दातार, तू ननद नहीं बच्चियों जैसी है। तू जानती है रंजीत सिंह की शादी हो चुकी है। भरजाई, अब मुझसे पूछकर शादी करते तो मैं रोक ना देती उन्हें। और वैसे भी ये शादी ब्याह तो वाहेगुरु के हाथ में है, और राजे तो कितनी कितनी शादियां करते हैं, मैं तो उनकी दूसरी तीसरी चौथी बीवी बनकर भी खुश रहूंगी। तेरे पागलपन की तो रंजीत सिंह को खबर भी नहीं है। और तू अच्छा बता, कब जाना? कब? भरजाई, कल सुबह निकलना पड़ेगा। Yeah.
हकीम साहब कह रहे हैं तू जल्दी ठीक हो जाएगी माई। झूठा दिलासा दे रहे हैं हकीम साहब, मुझे पता है पुत्र, मुझे सच्चे बादशाह का बुलावा आ गया है। वो देख तेरे दादा मुझे बुला रहे हैं पुत्र, तेरे दादा मुझे बुला रहे हैं। बेबी देखना माई कैसी बातें कर रही है। रंजीत तेरे पुत्र को गोदी में खिलाने की हसरत पूरी नहीं हुई। बेटा इधर आ पुत्र, इधर आ। मेरे रंजीते को चांद सा पुत्र देना। मैं तुम दोनों को ऊपर बैठी आशीर्वाद दूंगी पुत्र। रंजीते आपने दादा की तलवार लेकर आ पुत्र, तलवार लेकर आ जा। माई ये ले। रंजीत तेरे दादा ने जो ख्वाब देखा था ना, उसे पूरा करना है पुत्र। जरूर पूरा करूंगा माई, जरूर पूरा करूंगा। माई जानती है जब पिताजी इस दुनिया से चले गए थे मैंने खुद को कभी यतीम नहीं समझा, क्योंकि मेरे सर पर तेरा हाथ था। लेकिन आज मैं यतीम हो गया। जन्म तो माता पिता देते हैं, लेकिन मुझे रोशनी तूने दी। गोद में बिठाकर गुरु साहिबानों की साखियां सुनाई, गुरबाणी सुनाई। तेरी उंगली पकड़कर ही मैंने जिंदगी का पहला कदम रखा। मैं तो आज भी तेरी उंगली पकड़ा हुआ हूं, लेकिन तूने तो हाथ ही छुड़ा लिया माई, तूने तो हाथ ही छुड़ा लिया। आ 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
देखो पुत्र, कोई मामूली औरत नहीं गई है, एक शानदार और अजीम औरत सी देसा। मेरे और हरि सिंह के दोस्त चढ़त सिंह की आत्मा थी वो। हाथ में तलवार लेकर चढ़त सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों का मुकाबला करती थी वो। अरे बुजुर्गों, वो पुराना किस्सा है, उसे दफन कीजिए। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो तो जलकर राख हो चुकी होगी अब तक। तुम हरबंस लाल के बेटे की शादी में तो गुजरांवाला गए थे, अब अगर ऐसे मौके पर नहीं गए तो बड़ी शर्म की बात होगी। गुलाब सिंह, ये ठीक कह रहे हैं, दुश्मनी अपनी जगह, लोकाचार अपनी जगह, हमें जाना चाहिए। साहिब सिंह जी, बुजुर्गों की जिद और हालात, ऊपर से आपकी राय ने हमारी जुबान बंद कर दी। वाहेगुरु जी का खालसा। जो लोग इन आंखों में आंसुओं का दरिया देखना चाहते हैं वो बहुत नाउम्मीद होंगे। मैं दादी की उन यादों को आंसुओं में बह जाने दूं, जिसने मुझे बचपन में बताया था कि इंसान खाक का पुतला होता है और उसे खाक हो जाना है। वो कहती थी कि राख से बढ़कर कुछ नहीं होता। उन्होंने बचपन में मुझे बाबा फरीद का एक श्लोक याद कराया था। फरीद खाक न निंदिए, खाक जेड़ ना कोए, जीव दिया पैरां तले, मोया ऊपर होए। इस तरह बाबा फरीद ने बचपन में ही जिंदगी की सच्चाई बता दी थी और मैंने अपने दिल से मौत का साया हटा दिया, उससे होने वाली तकलीफ को निकाल दिया था। आंख खुलती है जन्म होता है, आंख बंद होती है मौत होती है। दादी कल तक एक शख्सियत थी, लेकिन आज वो एक इनकलाबी ख्याल। शख्सियत मिट जाती है लेकिन ख्याल ना मिटाया जा सकता है ना ही मिटता है। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहां आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। और साथ ही साथ अपने दुश्मनों को ये चेतावनी देता हूं, मेरे दुश्मन ये ना सोचें कि मेरी दादी माई गुजर गई और वो इसका फायदा उठाकर मेरे इलाके की तरफ नजर उठा सकते हैं। उन्हें मालूम हो कि मैं आदमखोर शिकार करने का आदी हूं, इसलिए भूखा शेर मेरे इलाके में आने से पहले एक बार सोचेगा और उसका अंजाम क्या होगा ये सारी दुनिया देखे।
सरकार, जाम का सिलसिला टूटा तो गुनाह का इल्जाम मेरे सर आएगा। उसकी हिम्मत तो देखो, उसका घमंड देखिए, अब तो वो मुंह पर गालियां देता। ओहो सरकार, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं। कोई भी अहम फैसला गुस्से में नहीं किया जाना चाहिए। और बंदी की ये कोशिश है कि वो आप सबके जहन को सुकून दिलाए, और इसके लिए इससे बड़ा और कोई दोस्त नहीं। कोई तो जरूर होगा जो रणजीत सिंह की जबान बंद कर सके। हमें उसकी तलाश करनी होगी। जब आपके थके हुए जहन जाम की छांव में आराम करेंगे, तब आपको तरकीब सूझेगी। चेत सिंह कह रहा था उसकी नजर में एक ऐसा इंसान है, मैं वहां पहुंचते ही उससे पूछूंगा। हुजूर, जब मर्ज का इलाज आपके हाथ में है तो फिक्र को दफा कीजिए। जाम है, रात है, हुस्न भी साथ है, दौर ये फिक्र का यूं गुजर जाएगा। हाथ में हाथ दो, रंज को मात दो, वरना दुश्मन है घर में ठहर जाएगा। वाह 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 जान वाह। अरे यार इकबाल, आज तो गुजरावाला में हीरा मंडी का मजा मिल रहा है। पुत्र जी, आपने खाना तो खाया ही नहीं। दादी होती तो आपको ऐसे उठने देती? माई ने तो आदत डाली है, नाश्ता शाम जैसा, दोपहर का खाना आम इंसानों जैसा, और रात का खाना फकीरों जैसा। पुत्र रंजीता, अपनी फौजों के मसले के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ठीक है माई, मैं आता हूँ। बस आज से मेरा भी रात का खाना फकीरों जैसा। कौन कौन है? सत श्री अकाल जी। तुम? जी हाँ, लगता है मैंने आपको डरा दिया। लेकिन आपको डरना तो नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप रंजीत सिंह की रानी हैं। पर अचानक अगर कोई चोर दिख जाए तो कोई इंसान क्या करे? जी मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, मैं तो वाहेगुरु दाता की देन दातार हूँ, दातार कौर, अपने वीर ज्ञान सिंह की इकलौती बहन। तुम नकई हो ना? जी बिल्कुल, थे और हैं। लगता भी है। क्या कर रहे हो? देखना चाहती थी
कि वो रहते कैसे हैं जिनके किस्से हवाएं गुनगुनाती हैं। मैंने कई बार अपने दांतों तले उंगलियां दबाई और काट भी खाई। वैसे एक बात कहूं, बिना बताए तुम रह पाओगी? आप वाकई मेहताब हैं। वैसे मैं ये भी देखना चाहती थी कि आप रंजीत सिंह की देखभाल कैसे करती हैं, क्योंकि पहाड़ की देखभाल के लिए धरती जैसी छाती होनी चाहिए सरदारनी जी। तुमने जो देखना था वो देख लिया या अभी कुछ बाकी है? एक बार पानी पी के जिंदगी भर की प्यास बुझ सकती है सरदारनी जी। तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब है दाता। जिंदगी में कुछ लोगों के पास सिर्फ सवाल होते हैं और कुछ लोगों के पास सिर्फ जवाब। और जहां तक आपका सवाल है, तो आप हमेशा उनके प्यारे रहें जिन्हें सब प्यार करते हैं। सत श्री अकाल जी। पुत्र, आज भोग के बाद तुझे बोलता देखकर मन बहुत खुश हुआ। तू है तो छोटा पर तेरा रुतबा बहुत ऊंचा हो गया है। आज माई देसा के साथ एक युग खत्म हो गया। भोग पर आए लोगों को देखकर माई देसा की आत्मा जरूर खुश हो रही होगी कि सुकर चकियों का रुतबा कितना ऊंचा हो गया है। माई, आप फौजों के बारे में कुछ बात कर रही थी। हाँ पुत्र, पुत्र हमें सचेत रहना है। तुम्हारे बढ़ते कदम देखकर सब खुश नहीं है। आज भोग के बाद जब तुम बोल रहे थे तो लोगों के चेहरे देखने वाले थे। पुत्र, मैं तुमसे रामगढ़ियों के बारे में बात करना चाहती हूं। ठीक है। देखो पुत्र, उन्होंने फिर से हमारे इलाकों में घुसपैठ शुरू कर दी है। पुराने झगड़ों को हवा दे रहे हैं। ठीक है माई जी, मैं भाई जोत सिंह से बात करूंगा। बात तो मैंने भी की थी, मैं मयानी गई भी थी, लेकिन वो नहीं माने। पहले तो बात ही करनी चाहिए, फिर भी बात से काम ना चले तो ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा पुत्र, तेरी बात से मुझे सरदार महासिंह की बात याद आ गई। वो भी एक बार हमारे यहाँ आए थे रामगढ़ियों की तरफ से। जय सिंह जी, आपने, मेरे बापूजी ने और चाचा जस्सा सिंह रामगढ़िया ने साथ साथ कई जंगें लड़ी हैं, भूखे रहे हैं, साथ साथ खाया पिया है और यहाँ तक कि अपना खून भी बहाया है। हम लोग महज एक जमीन के टुकड़े के लिए आपस में यूं लड़े, ये हमें शोभा नहीं देता। यही बातें तुम रामगढ़िया को क्यों नहीं समझाते? तुम चुप रहो गुरबख्श, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करने आया हूँ। इस मामले में तुम्हें जो भी बात करनी है वो मुझसे करो। लेकिन बात मेरे ससुर और मेहताब के बापूजी को समझ नहीं आई। और इसीलिए उन्हें अपना बेटा और मुझे अपना सुहाग खोना पड़ा। खुश रहे पुत्र। दातार,
ऐसे ही जहां भी जा खुशियां बिखेरती रहे। पुत्र तू जा रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे बसंती हवा का एक झोंका आया और जा रहा है। बसंती हवा के झोंके को हवेली के दरवाजे का पत्थर बना लीजिए, कहीं नहीं जाएगा। ना पुत्र, तू तो जीती जागती एक हसरत है, एक उमंग है, तुझे तो दिल में रखा जा सकता है। बेबे, उमंग ठीक है, हसरत नहीं। क्यों? उमंगे पास रहती हैं, हसरतें निकल जाया करती हैं। चंगा पुत्र, तू एक हसरत बन के रह। मेरा बस चलता तो मैं चुप। हम सब आए थे दरबार साहब माथा टेकने, तो वहीं इंतकाल की खबर सुनी तो सीधे यहीं चले आए। बहन जी, इनका बहुत लंबा सफर है, अब इन्हें विदा कीजिए, नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलो पुत्र। रंजीत सिंह जी, मैं आपसे छोटा हूँ, आप मुझे रंजीत कह सकते हैं। नहीं नहीं रंजीत सिंह जी, मसीहा तो मसीहा ही होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता। आप बस चलते रहें, पीछे मुड़कर मत देखिएगा, हम आपके पीछे हैं, आपकी पीठ पर कोई वार नहीं होने देंगे। हम आगे पीछे नहीं, साथ साथ हैं, और इसी वजह से हम शाहजमा से टकरा सके। आगे दत्तार चले। सरदारनी जी, इस पर आपको देखा तो एक बात और समझ में आई, ऊंचे कद के लोगों के सामने आने के लिए अपना कद भी ऊंचा करना पड़ता है। चलती हूँ, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तखलिया, क्या सोच रहे हैं बादशाह सलामत? एक बार फिर सर्दियों का मौसम आने वाला है और दिल्ली के बादशाह शाह आलम हमारे मुंतजिर हैं, तो कूच की तैयारी की जाए। पहले ही दो बार हमें आधे रास्ते से लौटना पड़ा है। जी, आपके जाते ही बुरा ना माने, यहां काबुल में आपके खिलाफ बगावत की सरगर्मियां तेज हो जाती हैं, यहां किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा है सिर्फ आप पर, क्या सलाह देते हैं आप? काबुल में हम दोनों में से किसी एक का रहना जरूरी है, और अगर दिल्ली का तख्त हमारे हाथ आ जाता है तो बेशक ये अफगानिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अवध के नवाब और रोहिल्ले फिरंगियों से परेशान हैं, वो भी हमसे मिल जाएंगे। मराठे भी फिरंगियों से उलझे हुए हैं, वो एक साथ अफगानों और फिरंगियों का सामना नहीं कर सकते, लिहाजा दिल्ली का रास्ता आसान है। और पंजाब, पिछली दो बार हम पंजाब से ही आगे नहीं बढ़ पाए और हमें शाहजी खान को भी खोना पड़ा। लेकिन वहां के हिंदू सिख मुसलमान हुक्मरान हमारे पास आए तो थे, पंजाब पर हमारा पूरा हक है। पर उसे कोई मानता कहां है? एक नौजवान रंजीत सिंह की कमान में सारा पंजाब हमारे सामने खड़ा हो गया और हम लाहौर से ही आगे नहीं बढ़ पाए। पंजाब को संभालना
मुमकिन नहीं। तो इस रंजीत सिंह से सुलटने का कोई जरिया नहीं? बादशाह सलामत, आपने ही फरमाया था अगर हमें लाहौर की सूबेदारी देनी है तो क्यों ना रंजीत सिंह को दें। अगर रंजीत सिंह हमारा दोस्त बन जाता है तो एक दिन अफगानिस्तान की सरहदें समंदर तक फैल जाएंगी। आपकी बात सही है, लेकिन रंजीत सिंह को मनाएगा कौन? आपका ये खादिम? अगर आप इजाजत देंगे तो बंदा खुद रंजीत सिंह तक आपका दोस्ती का पैगाम पहुंचाएगा और उसे मनाएगा। बेशक, अगर आपने ये हमारा काम कर दिया तो हम अपने बाप दादा का ख्वाब पूरा करने में कामयाब होंगे। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पवंडर जब उठता है तो बड़े बड़े दरख्त उखड़ जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे पौधे सलामत रह जाते हैं। लेकिन ये रंजीत नाम का बवंडर हमें जड़ से उखाड़ने के लिए उठा है, इसे रोकना पड़ेगा। अरे गुलाब सिंह, कुछ करो, कुछ सोचो। सोचा, बहुत सोचा, कदम भी उठाए, लेकिन हर कदम हमें पीछे धकेलता रहा। शाहजमा तक भी पहुंच गई, लेकिन वहां से भी मुंह की खानी पड़ी। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि रंजीत सिंह को मौत की नींद सुला दिया जाए। लगता है वाहिगुरु ने उसकी मौत हमारे हाथों नहीं लिखी। पराजी, आपको याद होगा मैंने आपसे एक पहलवान की बात की थी। हाँ एक कमाल चौधरी, वो पहलवान तो तुम्हारे इलाके से है ना? अगर वो मान जाए तो रंजीत सिंह का काम तमाम बड़ी आसानी से किया जाएगा। आज रंजीत सिंह का काम तमाम करना इतना आसान नहीं कि किसी पहलवान को भेज दिया कि जा उसका टेंटुआ दबा और उसे मार दे। चौधरी जी दुरुस्त फरमा रहे हैं खालसा जी, आज तो ये काम बड़ी होशियारी और किसी तरकीब के तहत होना चाहिए। तू ही बता क्या किया जाए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी इसी मौके की तलाश में हूँ। जैसे ही कोई तरीका सूझेगा मैं आपको खबर कर दूंगी। اشهد ان لا اله الا الله. بادشاہ سلامت، آپ اتنی صبح؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ صبح ہوتے ہی گوجرانوالہ روانہ ہو جائیں گے۔ جی ہاں، मेरी तैयारी तो मुकम्मल हो चुकी है। रात को अचानक ख्याल आया वजीर मोहतरम, आप रंजीत सिंह को लाहौर की सूबेदारी देने जा रहे हैं, उसके इर्द गिर्द की ताकतें उससे घबराती हैं। मैं आपकी परेशानी समझ गया बादशाह सलामत। आप तो तवारीख के पुराने वर्क पलट रहे हैं और आपको वो दिन याद आ रहे हैं जब हिंदुस्तान की सरहद कांधार से भी आगे थी। आपने ठीक फरमाया, जिस परिंदे को हम उड़ान के लिए जमीन देने जा रहे हैं अगर उसने आसमान छूने की कोशिश की तो हम पर फैलाने देंगे बादशाह सलामत, लेकिन इस परिंदे के पैरों में सोने की जंजीर बांध देंगे। फिर यह परिंदा वहीं तक उड़ेगा जहां तक हम चाहेंगे। हम लाहौर बेशक रंजीत सिंह के हवाले करेंगे, लेकिन वहां फौज हम अपनी रखेंगे। वहां हुक्म आपका, देखभाल रंजीत सिंह की और फौज अफगानों की। बस बस वजीरे मोहतरम, हमें इत्मीनान हो गया कि हमारा मुस्तकबिल आपके हाथों में महफूज है।
अगर रंजीत सिंह जैसा शख्स हमारे ताबे में आ गया तो सारा मुल्क हमारा होगा। मैंने यही दुआ की है। चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुलाब सिंह, जैत सिंह, मोहन सिंह, वही हुआ जिसका हमें डर था, जिसका हमें डर था। ओए क्या हुआ? खबर है कि वजीर फतेह अली खान रंजीत सिंह से मिलने चल पड़ा है। बहुत बुरी खबर है। अगर फतेह अली खान को हम रास्ते में रोक दे तो? ओए जब भी सोचोगे उल्टा ही सोचोगे, पूरी अफगान फौज हमारे ऊपर टूट पड़ेगी। वो मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों की परेशानी क्या है। अब तो हमारे पास वो पहलवान भी है ना। ओए थोड़ी देर चुप रहो, मुझे कुछ सोचने दो। फतेह अली खान रंजीत सिंह से मिले उससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसी हरकत मत करना जिसके लिए जिंदगी भर तुम्हें पछताना पड़े। शायद तुम लोग नहीं जानते तुमने किसका रास्ता रोका है। हम जानते हैं वजीर फतेह अली खान। बीवी, आप औरत, और हम औरत के सामने अदब से पेश आते हैं। जिसे पर्दे में रहना चाहिए उसके पर्दे से बाहर आने की वजह, जब जालिमों की तादाद ज्यादा हो जाए और उसके मुकाबले में लोग कम, तो औरत को हथियार उठाना पड़ता है। सुभान अल्लाह। बीबी, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन हम तो आपको जानते तक नहीं। मैं मिल्खा सिंह, रावलपिंडी का किलेदार। अब किसी भी कौम पर ऐसा कोई जुल्म ना हो, मैं इसी खातिर रंजीत सिंह के पास शाहजमा का दोस्ती का पैगाम लेकर जा रहा हूँ। अगर आप दोस्त बनकर आए हैं तो मिल्खा सिंह आपका स्वागत करता है। रंजीत सिंह का दोस्त हमारा दोस्त, रंजीत सिंह का दुश्मन हमारा दुश्मन। हमें खबर मिली थी कि आप रंजीत सिंह पर हमला करने जा रहे हैं। नहीं, ये खबर जरूर किसी ऐसे ने फैलाई होगी जो शाहजमा और रंजीत सिंह की दोस्ती को पसंद नहीं करता। ऐसे कई लोग हैं, पैसा नहीं चाहते। फतेह अली खान साहब, हमने आपका रास्ता जरूर रोका, मगर हमने अपने साथियों से ताकीद की थी कि वो आप पे हमला ना करें, क्योंकि हमें शक था कि ये खबर झूठी हो सकती है। हमें अफसोस है कि हमने आपका रास्ता रोका। हमें माफ कीजिए बुजुर्ग। नहीं बीबी, इस बहाने हमने कौम की एक बहादुर औरत का दीदार किया है। हम अभी चलते हैं, हमें जल्द से जल्द गुजरांवाला पहुंचना है। साथियों, जाने दो इनको। कर्मी आपो आपनी के नेड़े कै दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। दरबार में दीवान लखपत राय जी आए, आपसे मिलना चाहते। उन्हें लस्सी पानी पिलाइए, हम अभी आते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सिंह साहब। सत श्री अकाल।
मुबारक हो। शायद अफगानों को अकल आ गई। अफगानिस्तान का वजीर फतेह अली खान आपके लिए दोस्ती का पैगाम लेकर आ रहा है। दोस्ती और सांप से? शाहजमा से दोस्ती करने का मतलब है आस्तीन में सांप को पालने पर। पिंडी से भाई मिल्खा सिंह का हरकारा आया है। उसने बताया है कि एक छोटी सी घुड़सवार टुकड़ी के साथ फतेह अली खान रावलपिंडी पार कर चुका है। चलो ठीक है, हो सकता है कि हमने अफगान सिपाही नजीबुल्ला के हाथों जो अमन का पैगाम भेजा था वो शाहजमा के कानों तक पहुंच गया है। और वैसे भी अगर कोई मसला बातचीत से सुलझ जाए तो इससे बेहतर क्या है। दीवान जी, मेहमान के रहने का अव्वल इंतजाम किया जाए। जी सिंह साहब। क्या रंजीत सिंह फतेह अली के खैर मकदम के लिए तैयार है? हाँ जान, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उसकी खातिरदारी अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। खातिरदारी तो ऐसी होगी कि पंजाब का इतिहास बदल जाएगा। अपनी